अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। एक किताब का नाम है पर्सनालिटी प्लस और दूसरी किताब का नाम है फाइव लव लैंग्वेजेस, प्रेम की पांच भाषाएं। ये फाइव लव लैंग्वेजेस, प्रेम की पांच भाषाएं, शायद किसी फॉरेन राइटर है, गिटार करके है शायद उसकी है किताब ये। और पर्सनालिटी प्लस, दो किताबें, पर्सनालिटी प्लस और फाइव लव लैंग्वेजेस, दोनों हिंदी वर्जन में भी आती हैं। इन किताब को पढ़िए। पर्सनालिटी प्लस बताती है कि आप अपनी पर्सनालिटी को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, मींस आप में कौन सी कमी है और उसको कैसे आप भर सकते हैं। इसमें चार या पांच तरह की पर्सनालिटी बताई गई हैं। और ये जो फाइव लव लैंग्वेजेस वाली बुक है, इसमें पांच तरह के ही भाषाओं की चर्चा है, प्रेम की पांच भाषाएं। अब आप कहेंगे दुनिया भर के लोग अलग अलग सोच, प्रेम की पांच भाषाएं कैसे होते हैं, तो राइटर ने कमाल कर दिया है, मैंने पढ़ी वो बुक, बड़ी अच्छी बुक है। तो एक्चुअल में क्या है, वो आईना है, ये दोनों किताबें आईना है। हम कहते हैं वो गलत है, वो कहता है हम गलत हैं, ना तुम गलत हो ना वो गलत है। वो किताब बताएगी कि कौन गलत है, वो किताब बताएगी कि कमी कहाँ हो रही है, वो किताब बताएगी कि तुम जिसे नेगलेक्ट कर रहे हो, तुम जिसे समझ नहीं रहे हो, वही मूल था, तो तुम्हारे से क्या कमी रह रही है और सामने वाले। अच्छा, ये दोनों चीजें, ये दोनों किताबें एक के लिए नहीं है, ये दोनों को पढ़नी चाहिए। पहले एक पढ़ ले, बहुत सारा सुधार होगा, उसको लगेगा तो कहेगा भैया तू भी पढ़ ले। तो मेरा जो निवेदन है, देखो मैं तुम्हें कोई धर्मग्रंथ की चर्चा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें 50 चीजें और बता सकता हूँ, लेकिन आज के महीने में बताने की उसकी आवश्यकता से ज्यादा जरूरत यह है कि पहले आप इन इन तरीकों से जान लो, फिर तो आप धर्मग्रंथ तो कर ही लोगे। मैं आपको नल दमयंती की कहानी की बात करूँ, मैं आपको सती अनुसुईया की बात करूँ, ऐसी बहुत सारी प्राचीन गाथाओं की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं करूँगा। मैं बात करूंगा कि अगर आप पति पत्नी के रिश्तों को प्रबल और सुंदर बनाना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप ये दो किताबें जरूर पढ़ें अपने जीवन में। सभी लोगों से निवेदन है जिनको भी लगता हो, और बाकी अगर जीवन में आनंद है तो और आनंद के लिए पढ़ सकते हैं आप, अच्छी बात है। देखिए, अगर ये रिश्ता बड़ा मजबूत हो गया तो सब बढ़िया है, बच्चों बच्चों सबका जीवन बढ़िया है।